हेलो। हेलो, बताइए। हाँ सर। हाँ, मैं है ना गुजरात से बोल रहा हूँ। जी मैंने मैंने आपको आपका वीडियो देखा है यूट्यूब पे। अभी जो आपने जो मोदी जी के बारे में और सरकार के बारे में उसके रिलेटेड आपने जो अभी जो वीडियो बनाया है वो भी देखा है। जी तो कुछ हाँ तो उसके बारे में पूछना था। अभी समय है आपके साथ बात हो पाएगी सर? हाँ बताइए ना। हाँ, उसमें आपने जो बताया है बराबर, तो मैंने आपके आगे भी कई सारे वीडियो देखे हैं, मगर जो अभी मैंने जो वीडियो आपका देखा तो मुझे लग रहा है कि आप बुरा ना मत मानिएगा, मैं आपका फॉलोवर ही हूँ, नहीं मगर कोई बात बुरा नहीं, मत। नहीं नहीं नहीं, मैं हाँ समझता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप अपने अपना मन की बात कहिए, कोई बात नहीं। हाँ हाँ मगर बुरा मत। मेरे को वो पूछना था कि क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप देश विरोधी जा रहे हैं? आपका जो अभी जो जिस और से आपका जो वीडियो देखा है तो मुझे लगता है कि आप देश इतना देश विरोधी हाँ आप मतलब आप जो है मतलब आपको ऐसा बोल लग रहा है कि वो देश विरोधी हाँ है? मुझे मतलब हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ओर से तो हम नहीं जा रहे हैं ना, कि भाई आपके आगे के वीडियो देखे और इसमें बहुत मुझे फर्क भी था, इसलिए थोड़ा मुझे डाउट लगा कि देखो, क्या नाम आपका भाई? गुजरात हाँ मेरा नाम खोड़ीदास है, मैं गुजरात से हूँ, खोड़ीदास से हैं कहाँ? विक्रम। अच्छा, भाई देखो, आपने हाँ यदि कह दिया है तो मुझे इस बात का अच्छे से भान है कि मैं मोदी ना मोदी विरोधी हूँ ना मैं देश विरोधी हूँ। मैं मोदी की किसी नीति का विरोधी हो सकता हूँ, उनके किसी निर्णय का विरोधी हो सकता हूँ। जैसे परिवार में भी हो जाता है कि हम अपने परिवार के किसी सदस्य के निर्णय से कभी सहमत नहीं होते, तो अपनी असहमति जताए बिना उस व्यक्ति को भी नहीं पता चलेगा कि मैंने हो सकता है कुछ गलत निर्णय ले लिया हो। तो इसी प्रकार से मैंने जो बात कही है वो ये कहा है कि उसमें बिल्कुल करबद्ध निवेदन किया है कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए यदि कोई ऐसा निर्णय जो मोदी जी को शायद नहीं लग रहा है कि गलत है, उसमें उनका इंटेंशन ये है कि भाई भला हो जाए देश का, लेकिन हो सकता है उनको, मतलब हो सकता है पता हो, या अगर ना भी पता हो तो जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक ये सोच कर क्यों बैठे कि शायद मोदी जी को पता होगा, सही कर रहे होंगे। मतलब लेकिन हम अपने असहमति जाहिर करके कम से कम वो पता तो लगे कि भाई आपको पता तो है ना कि ये निर्णय आपका आगे गलत हो सकता है। तो हमने तो वो आवाज उठाने का एक माध्यम हमारे पास, लेकिन कम से कम हम अपना बात को लोगों के सामने रखें कि लोगों के बारे में हमारा क्या स्टैंड है। तो उसके लिए हमने मोदी विरोध के लिए, मोदी के इस निर्णय का विरोध किया। क्या है ना, भारत की जनता ना थोड़ा सा अधिकतर, मतलब अधिकतर जो है, बहुत तो इस देश चल रहा है, लेकिन अभी तक जो अधिकतर जो शहरों में हो गए हैं, ज्यादा पढ़े लिख गए हैं ना, वो आस्थाविहीन और विवेकहीन दोनों हो गए हैं। वो कल जो दिए जलाने की बात कही उसके अंदर पटाखे जाने लग गए, तो वो उससे साबित हो जाता है। हाँ, यह पूरे देश में यही हुआ कि उन्होंने पटाखे जलाने शुरू कर दिए। तो ये इससे पता लगता है कि लोगों के अंदर विवेक नहीं है, ये बहुप्रजा है, ये सुप्रजा नहीं है। तो ऐसे शासक को तो मैं कहता हूं, उस हिसाब से तो मोदी जी और कांग्रेस से तो बेहतर शासक मिले हुए हैं। तो लेकिन बड़ी बात क्या है कि जो हमको अभी एक बड़ी चीज जो होने वाली थी, जो मैं एक दो दिन में वीडियो भी डालने वाला था, कि क्या हुआ है कि हमें ये रियलाइज हुआ कि ये कई देश विरोधी ताकतें जो हैं वो इसमें हमको संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। उनको ये लग रहा है कि हम लोग मोदी के इस निर्णय के विरोध में हैं, तो उनके हम मित्र हैं, ऐसा लग रहा है उनको। जैसे हमारे एक पहले क्या है, तो मुस्लिम लोग जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या व्हाट्सएप पे हमें कई गालियां लिख के भेजते थे, लेकिन अब जो एक दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि वो सब बड़े सॉफ्ट बात कर रहे हैं हमसे। हमारे अभी कल ही एक व्हाट्सएप आया आपको, उसमें उसमें दिखाया कि अल्लाह पाक आपको और विश्वरूप चौधरी जैसों को सलामत रखे। तो मुझे जब ये परसों मैसेज आया तो मैं उसको सोचने लगा कि ये लोग इतना मुस्लिम, और उसका जो व्हाट्सएप पे जो प्रोफाइल था, डीपी था, वो कोई उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि कोई मुस्लिम कोई संगठन टाइप का है। और भी यूट्यूब पे भी आने लगे कमेंट, तो मैंने डिलीट किया, जिससे कि इनको ये ना लगने लगे कि कोरोना का विरोध करते करते राष्ट्र विरोध की बात, राष्ट्र विरोधी है हम। कोरोना कोरोना जो है वो देश से बड़ा नहीं है, यही कारण है कि हमारे मन में इंटेंशन अच्छी थी। तो मोदी जी को हमने कहा कि देश का आज पे कुछ अहित हो सकता है, तो आप WHO के से ज्यादा ज्ञान भारत में है, ये मोदी जी को भी पता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम कम से कम, हमारा कर्तव्य है कि हम कहें, एक प्रजा होने के नाते कहें तो सही। बराबर जब तक प्रजा कहेगी नहीं, ये थोड़े एज्यूम कर सकते हैं कि भाई राजा को पता होगा। ठीक है भाई,
आप आज डेमोक्रेसी है तो इतना बोलने का अधिकार, अगर मुस्लिमों को इतना शाहीनबाग में नौटंकी करने का अधिकार है तो हमको तो कम से कम एक फेसबुक पे वीडियो डालने का तो अधिकार है। सही है, और हमने यही कहा है कि आने वाली पीढ़ियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे हम, ऐसा नहीं कि परमानेंटली। तो आने वाली पीढ़ियों का तो मामले बहुत सारे है ना, चाहे मुस्लिमों से जुड़ा मामला हो, चाहे टीकाकरण का मुद्दा हो, चाहे और भी चीजों का मुद्दा हो। तो जो इस देश में हमें लगता है कि डेमोक्रेसी को दबा दिया जा रहा है, तो जब हमको ये रियलाइज हुआ कि डेमोक्रेसी दबाने की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे वीडियो का फायदा ये मुस्लिम लोग ना उठाएं। सही हाँ। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कि हाँ, एक फायदा 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 कैसे उठाएंगे वो लोग। फायदा उठाने का अर्थ ये है कि अभी क्या हो रहा है कि इन लोगों को, मतलब ये मैं कहता हूँ कोरोना सच्चा है झूठा है ये सब बाद की बात है, लेकिन अभी क्या है कोरोना लोगों के मन में भय बैठा हुआ है कोरोना का। ठीक है, कोरोना का भय बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोरोना के भय को, मतलब कोरोना लोगों के लिए खतरनाक है ये इनको रियलाइज हुआ। बराबर। और जो भी चीज लोगों के लिए या भारत के लिए खतरनाक है उसको ये हथियार समझ लेते हैं। बराबर। ये मतलब मुस्लिम लोग, मुस्लिम लोग तो इन्होंने हाँ समझ रहे हैं, इनको लगा कि अरे हम लोग बम फेंकने के बजाय जो है लोगों को बीमार कर देते हैं इस वायरस से, इतने खतरनाक वायरस है। तो इनकी घटिया सोच जो है वो उजागर हो गई। कैसे उजागर हो गई कि इन लोगों को जैसे ही लगा कि कोरोना से तो सब भय वो हो रहे हैं, तो इन लोगों ने सरकार के नीतियों के विरुद्ध जाके, रूल नियम के विरुद्ध जाके, कानून के विरुद्ध जाकर इन्होंने क्या किया जो है वहां पे इकट्ठे होकर इन्होंने पूरे देश में फैलाकर इन्होंने सोचा कि हम लोगों को बीमार कर देते हैं। बराबर। अब कोरोना खतरनाक है नहीं है, बिशरूर राय चौधरी हम बोले कि WHO का शड़े तो कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो साबित होगी, भारत को जो चीज नुकसान कर सकती है उसको ये लोग बढ़ावा देने वाले हैं। इनमें जो, और जो ये सोच रहे हैं ये गधे, ये सोच रहे हैं कि हम लोग जो है इनके जैसे साथ देंगे इनका, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों ने भले ही नीति का विरोध किया हो, हम सरकार के मोदी के विरोधी नहीं है ना सरकार के विरोधी हैं, हम केवल सरकार की किसी नीति के विरोधी हो सकते हैं, किसी 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 बिंदु किसी निर्णय के विरोध में हो सकते हैं, लेकिन सरकार के विरोध में या मोदी के विरोध में नहीं हो सकते, क्योंकि मोदी कांग्रेस या बाकी सब से तो देश का भलाई कर रहे हैं। हमने 370 में मोदी का पूर्ण समर्थन किया है, राम मंदिर में पूर्ण समर्थन है, हम मोदी का पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन कोई चीज हम अपने माता पिता का भी पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन किसी बात पे उनसे हम सहमत नहीं होते। हाँ। तो इतना तो अधिकार है ना हमको। तो हम कहते हैं कि औरों से तो भलाई कर रहे हैं, और विकल्प के जो अभाव में मोदी को चुना गया है वो तो मैं कहता हूँ कि मोदी जी को जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि आप, ऑब्वियस सी बात है कि विकल्प के अभाव में यदि आपको इतनी सीटें मिली हैं तो 2024 में आप ऐसे काम करिए कि जिससे विकल्प होने के बावजूद भी आपको लोग चुने। बराबर। इतना तो उनके अपनी, इतना तो वो भी परफेक्ट नहीं है ना, उनको भी अपनी कमी पता होगी, इतने तो इतने समझदार तो वो भी हैं। अब क्या हुआ? हाँ बिल्कुल। तो लेकिन जो एक बड़ी बात सामने आई कि हम लोगों को ये जो मुस्लिम समाज ने झूठा सच्चा कोरोना जो भी था इन्होंने उसको हथियार समझकर इन्होंने हमारे खिलाफ प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये तो गंभीर बात है, तो खतरनाक बात है ना भाई। हम और इन्होंने, इनको ये लगा कि अब इस चक्कर में क्या हुआ कि सरकार ने इनकी मस्जिदों को और इनके मदरसों को जो है क्या करना शुरू कर दिया, इनके ऊपर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया कि कहीं मंदिरों मस्जिदों में छुपकर इस तरह से ये वायरस फैलाने के लिए। भाई अब सरकार भले किसके भी प्रोटोकॉल से चले, लेकिन उनको तो अब जो भी नियम प्रोटोकॉल चला गया पूरे देश में यदि लॉकडाउन किया है, तो इसमें भी यदि ये लोग इनको रियायत दे देंगे कि तुम चलो तुम मस्जिद में इकट्ठे हो जाओ या तुम नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे हो जाओ, तो भाई बाकी लोगों ने क्या गुनाह किया है? नियम तो सबके लिए जैसा होगा ना, खर्चा होगा। बराबर। हाँ, तो आज जो है इनको ये दुख हो रहा है कि हमारी मस्जिदों में ताले लग गए और हमारे जो है नमाज पढ़ते हुए कोई पुलिस डंडे मार देती है, तो भाई ये तो हमारे यहाँ पे पुजारियों को भी डंडा मारा जा रहा है कई जगह, हमारे यहाँ तो मंदिरों में भी लोगों को नहीं घुसने दिया गया, हम लोगों का कितना मन कर रहा है गंगा जी नाले जाके, हम लोगों का मन कर रहा है भाई मंदिर के दर्शन करें, नहीं कर पा रहे हैं। तो तुम लोगों को नवाब हो क्या, तुम लोग जा रहा कि तुम लोगों को सब चीज सहूलत चाहिए? अब ये इनको क्या दुख हो रहा है कि कोरोना को इतना खतरनाक साबित करके इनको जो डंडे टिक रहे हैं ना, हम जैसे लोगों को ये वो बनाकर, माध्यम बनाकर, और बिशरूर चौधरी जो इतना फेमस हो गए इसका विरोध कर, तो बिशरूर चौधरी ने सरकार का विरोध नहीं किया, बिशरूर चौधरी ने सिंपली ये कहा कि कोरोना खतरनाक नहीं है, उसने सिर्फ इतना कहा था।
आप समझ रहे हैं ना। और बिशुद्धा चौधरी जी का भी वीडियो हटाया गया और उनको जेल नहीं करी गई, उनको कहा कि आप अपना वीडियो हटा दो। क्यों? क्योंकि इनके वीडियो की वजह से कोरोना को कम खतरनाक साबित करके ये मुस्लिम लोग, ये सरकार की इस जो इनकी मस्जिदों पे और नमाज पे जो रोक लगाई जा रही है उसको गलत ठहराने का प्रयास करना चाहते हैं। बराबर, आप समझ रहे हैं कि इनको लग रहा है कि वीरेंद्र भाई के वीडियो और ये इनके वीडियो के द्वारा कोरोना को कम खतरनाक साबित कर दो और हमारे मंदिर, हमारे मस्जिदों के और मदरसों की तलाशी ना ले पाए। तलाशी मतलब उनको सैनिटाइज ना करना पड़े। ये तो गंभीर विषय नहीं लगता? बहुत गंभीर विषय है ये तो। तो आप सोचो कि अब इनके, अब जिस तरह का इन्होंने दंगा दिल्ली में किया, इस तरह के दंगे क्या क्या गारंटी है कि इन्होंने और जगह प्लान नहीं करे होंगे? सही में। और जिस तरह से इनके यहाँ मदरसों में, यूपी में इतने मदरसे हैं, समझेगा मदरसे हैं, इन्होंने अंदर हथियार इकट्ठे किए हैं, क्या किया हुआ है, तो इनको लग रहा है कि कहीं वो उजागर ना हो जाए। हो भी सकता है ना इनके वहां पे जिस तरह के, हाँ हो सकता है, जिस तरह से अगर ये ढाई इतने हजार लोग ये निजामुद्दीन में इकट्ठे हो गए हैं और इनका ये सब इकट्ठा हो गया, तो अब ये तो कहीं भी कुछ भी कर इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ ये हो सकता है, तो वो भी हो सकता है। तो कोरोना की वजह से इनकी पोल खुल गई। अब पोल खुल गई तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि हम इसको जो है हमारे वीडियोस के माध्यम बना के ज्यादा ज्यादा फैलाकर और ये विश्वरूप चौधरी के वीडियो को वायरल करके और सरकार को कहेंगे कि देखो तुमने तो मुस्लिमों पे ज्यादति करने के लिए ये कोरोना के चक्कर में हमारे मस्जिदों पे और उस पे तुमने वो ताले लगवा दिए। तो हम भाई, हम कुछ भी कहें, हम मोदी के परिवार में अगर कोई कलह हो रहा है, उसका फायदा पड़ोसी उठा ले है, या कोई हमारे देश का दुश्मन उठा ले, देश का दुश्मन मतलब जो हमारे देश के अंदर दुश्मन बने बैठे हैं, जो दिल्ली में इतने बड़े दंगे कर दिए जिन लोगों ने, वो उसका फायदा उठाकर हमारे या अपने परिवार के झगड़े में घुसकर घर पे कब्जा करने की कोशिश करे या घर को तोड़ने की कोशिश करे, तो वो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। नहीं सही में। हाँ तो इसके लिए जब 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 बड़ी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है इसमें, तो अब हमको समझ में आया कि इन्होंने खुद ही अपनी पोल खोल ली कि भाई एक तो इन्होंने हमसे संपर्क कर लिया मुस्लिमों ने, ठीक है ना, ओवैसी जैसे के लोगों ने इनडायरेक्टली हमारे कई साथियों को संपर्क करने की कोशिश की ओवैसी के लोगों ने, और ये करके तो अब क्या होने वाला है कि ये जिस तरह से इन्होंने इसको हथियार समझ के अपनी मिट्टी पलीत की है, अब देश में क्या है इनके खिलाफ जो माहौल बन रहा है, उस माहौल में सबसे बड़ी चीज जो खतरनाक होने वाली वो क्या है कि अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, ये इन लोगों को जिस तरह की एक तरह से ब्रीफिंग दी गई है कि भाई तुमने हिंदुओं का नुकसान कैसे करना है, तो मैं कहता हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, अब देखना ये जितने भी हिंदू लोग हैं ये जाएंगे मीट की दुकानों पे नॉनवेज खाने के लिए, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, सब्जी फल खरीदने जाएंगे, नाई की दुकान पे जाएंगे, ये सबको इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि तुम जो है सब्जी और फलों पे, तो आपने देखा होगा ना वीडियो, थूक लगा लगा के कर रहे हैं ये। हाँ हाँ वो देखा था एक मैंने, वो उसका वेसल्स में आया था उस वीडियो। हाँ बिल्कुल, तो ये क्या कर रहे हैं, नहीं वेसल्स में नहीं, ये क्या कर रहे हैं, तो जो फल वाले जो है ना, फल वाला भी थूक लगा लगा के फल को रख रहा है, तो मतलब इनके थूक लगे हुए, मतलब हमारे, मतलब कहते हैं भाग्य इतना भी खराब नहीं है कि हम लोग इनके थूक लगे हुए फल सब्जी या इनके द्वारा जो कटिंग कराएंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, देखो ये भले कोरोना ना फैलाए, मैं कहता हूँ कोरोना या कोई वायरस ना फैलाए, लेकिन इनके थूक लगी हुई कोई भी चीज खाने का या प्रयोग करने का हम लोग अपना स्वास्थ्य बर्बाद क्यों करें, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में कितना सूक्ष्म तरीके से इस चीज को करा गया है। एक भी गुरुद्वारा में गए हो गया आप, और या किसी आश्रम का भी भोजन पाया होगा आपने, प्रसाद पाया होगा, उसे प्रसाद बोलते हैं, तो हमेशा जो परोसने वाला है वो जो भोजन कर रहा है भंडारे में, उसके साथ सीधे संपर्क में नहीं आता। सीधे संपर्क मतलब जब वो रोटी परोसता है उसको, तो उसका लेने वाले का हाथ और रोटी और परोसने वाले का हाथ तीनों एक समय में एक साथ टच नहीं होने चाहिए। वो ऊपर से फेंकता है जिससे कि वो टच ना हो जाए। मतलब एक तरफ तो हम लोग कहते ना कि झूठे, मतलब सात्विक व्यक्ति का भी झूठा खाने से हमारे देश में पाप माना जाता है कि किसी का पराए का झूठा नहीं खाना, ये तो फिर भी तामसिक है। तो अब मतलब मैं जो कह रहा भंडारे का एग्जांपल दे रहा हूँ, वो क्या है कि आप देखना उसके अंदर, मतलब कभी जैसे चम्मच से परोस रहा है कोई दाल सब्जी परोस रहा है या फिर चावल परोस रहा है, तो वो भंडारे में क्या होता है, वो जो चम्मच है वो टच नहीं होनी चाहिए थाली में, जो जो थाली खाने वाले की है, या फिर उसके हाथ से टच नहीं होना चाहिए,
क्योंकि क्योंकि क्या होगा, यदि वो थाली, यदि वो जो चम्मच है जिससे परोसा गया है, वो झूठी थाली में यदि टच हो गई तो उस चम्मच को झूठा माना जाएगा। तो यहाँ तक का विज्ञान था, तो ये तो उसके सामने कहा वो सोच और कहा कि ये सोच भी आप हाँ वो हाँ ये सोचो, मतलब एक एक आश्रम के अंदर जो परोसने वाला वो भी सात्विक, जो खाने वाला वो भी सात्विक, जो भोजन बना वो भी सात्विक, उसको भी यदि केवल मतलब रोटी भी सोचो, रोटी उस परोसने वाले के और खाने वाले के हाथ में रोटी दे रहा है और तीनों एक समय पर टच हुए तो वो भी झूठा माना गया। फिर वो व्यक्ति हाथ धोगा अपना, जो परोसने वाला वो अपना हाथ धोएगा, फिर भी इतना गहरा विज्ञान कि भी ये झूठा माना जाएगा। हमारे यहाँ पर मिट्टी हो चाहे कांसा हो ये, और कांच का बर्तन, कभी भी कोई साधु घर में आता है तो उसको हम कभी भी कांच में या मिट्टी में पानी वगैरह नहीं पिलाते, क्योंकि कांच जो है वो मिट्टी का ही स्वरूप है तो वो झूठा माना जाता है। तो कभी भी वो किसी धातु में पियेंगे, हाँ जो 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 साधु है, या उनका अलग से कमंडल होता है, पहले कमंडल होता था ना, तो ये हाँ इतना नियम रखा गया। तो हम यहाँ पर एक मुसलमान के थूक लगा हुआ, या वो उसने उसे खाने में थूक रखा है, या उसने हाथ लगा रखे हैं, क्या हाथ लगाए हुए हैं उसके, तो एक तामसिक व्यक्ति के हाथ का खाना पड़े। तो भैया एक मेरा मेरा मित्र है पुलिस में, वो कह रहा था कि जब शाहीनबाग से पहले वहां कहां पर इधर ये है ना जंतर मंतर, जंतर मंतर, हाँ जंतर मंतर पे उसका उनकी पोस्ट उनकी उनको सब जैकेट वैकेट लेके डंडे वंडे लेके जाना पड़ा कि कोई गड़बड़ ना कर दे। वो तो बोले रविंद्र भाई इतना खुला इलाका था हाँ जंतर मंतर का, उसपे भी जहां ये लोग बैठे हुए थे वहां पर उनके जाने के बाद भी इतनी बदबू थी कि पता नहीं क्या अजीब सा था। हमें भी समझ नहीं आया भाई इतना गंदा, तो हमें तो कोई सिगरेट बीड़ी पीने वाले के तो मल मल में भी बदबू आती है वैसी ही, आप देख रहे हो ना जैसे ब्रश ब्रश आती है शरीर में, ऐसा ही इनके मांसाहार करते हैं, इनके पसीने में बदबू, सब में बदबू, और मांसाहार कोई भी करता है उसके पसीने में बदबू आती है। तो हम कहते हैं ऐसे व्यक्ति के झूठा खाना पड़े, इसका से बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं। तो मैं मुझे लगता है इसमें से किसी को कोई बीमारी हो, टीबी की बीमारी हो, कुछ भी हो, तो मैं ये कहता हूँ एक तो पहली बात बड़ी बात, रेस्टोरेंट में खाओ मत, खाओ तो कम से कम अपने घर में बना के खा लो, और मुस्लिमों के तो बिल्कुल नहीं भी नहीं खाओ, कम से कम जहर खा रहे हो तो पैसा कम से कम इन मुस्लिमों के जेब में ना जाओ, कम से कम वो किसी किसी सरदार जी का खा लो, किसी का खा लो। तो ये जो चीज है ना कि ये पूरा व्यवस्था में हम लोग जो है इन लोगों के एक सपोर्ट में ना गिने जाए, इसके लिए हमने अभी ये कहा है कि भैया हमारा मोदी जी से जो भी असहमति है वैक्सीन के ऊपर रहेगी हमेशा, WHO का षड्यंत्र तो उस पर रहेगी हमेशा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये लोग उसको हथियार बना के हमारे खिलाफ प्रयोग करेंगे, तो थोड़े दिनों के लॉकडाउन में अगर इकोनॉमी को थोड़ा बहुत सफर होता है होता है, लेकिन ये जिस तरह से दंगा करके इन्होंने पूरी दिल्ली को, दिल्ली के एक एरिया को पूरे हाशिए पे ला दिया था इन्होंने, इस तरह से ये तो पूरी दिल्ली को भी कर सकते हैं, कल को हमारे बच्चे भी इससे इफेक्टेड है, तो आने वाली पीढ़ी इससे भी बहुत प्रभावित होने वाली है ना, हो सकता है। हम आने वाली पीढ़ी के ऊपर काम करते हैं, आने वाली पीढ़ी का सोच रहे हैं, मोदी जी को कह रहे हैं कि वैक्सीन से संबंधित जो है वो आप निर्णय को देखिए, दोबारा वो करिए, हम उनको कह रहे हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी की हमें चिंता है, उनको भी चिंता है। लेकिन अब ये मुसलमानों वाला जो प्रॉब्लम है ये भी तो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने का एक मुद्दा है, तो इसके ऊपर भी हमें तो भैया सोचना पड़ेगा। तो अगर सरकार इनके मदरसों को, इनके मस्जिदों को किसी रूप में, उनके अंदर हथियार तो नहीं छुपे हुए, ये क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, अभी जैसे कोरोना का इन्होंने निजामुद्दीन में इतने हजारों लोगों का करा है और ये सब करा, तो उसमें तो फिर सरकार इनके ऊपर क्रैकडाउन करेगी, तो भाई हमको तो इसमें साथ देंगे उनका। हाँ वो इकोनॉमी का थोड़ा बहुत लॉस सहा जाएगा, लेकिन ये ज्यादा बड़ा लॉस है हमारे भारत के लिए। लेकिन इस विषय पे हम कायम रहेंगे कि वैक्सीन वगैरह जो है हमारे बच्चों के लिए मैंडेटरी ना की जाए, वो सब ना की जाए, वो हम कभी नहीं कहेंगे, वो हमेशा रहेगा, बराबर समझ रहे हैं हम। तो इतना इतनी गहरी गहरी साजिशें हमारे देश में है। अब इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वॉल्व है, तो अजीत डोवाल वहां गया, तो अजीत डोवाल गया है तो यूट्यूब से चैनल डिलीट करवाया गया है, तो विश्वरूप जी को जो है किसी ने जेल तो नहीं करी ना उनको, उनका चैनल इसलिए, उनको चैनल भी डिलीट नहीं किया, उनको इसलिए कहा कि भाई आपके वीडियो को क्योंकि वायरल हो रहा है इसीलिए आपके वीडियो का फायदा ये लोग उठाना चाहते हैं कि ये कोरोना इतना खतरनाक है ही नहीं तो हमारे ऊपर क्यों अत्याचार हो रहा है, फिर तो ये तो एकदम से विक्टिम बन जाते हैं ना हर जगह, पहले तो खूब उछल लेते हैं फिर एकदम से विक्टिम बन जाते हैं कि हम तो बेचारे हैं, हमारे साथ तो कोई नहीं, हम पे तो माइनॉरिटी की वजह से जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये बड़े 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 इस मामले में
खरापाती हैं बहुत ज्यादा, बराबर ठीक है ना। बराबर वही था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस तरीके से कि मगर इसका मतलब फाइनल ये हुआ कि भाई मतभेद हो सकता है मगर मनभेद नहीं है, ऐसा ना। पारिवारिक पारिवारिक मतभेद परिवार में मतभेद होंगे, हम इंटरनली हमारे देश में हमारे हम अपने सरकार के विरुद्ध भी हो सकते हैं किसी बात पे, लेकिन उसका फायदा इन देश विरोधी ताकतों को नहीं उठाने देंगे। बराबर समझे समझे, आप समझ रहे हैं ना भाई। हम मान लो ना जैसे अब क्या हो रहा है कश्मीर में, लोग नाराज थे भारत से कि इन्होंने हमारे, लेकिन उसका अब कश्मीर में नाराज थे तुम किसी भी कारण से नाराज थे, लेकिन तुम्हारा फायदा आईएसआई ने उठाकर तुमको आतंकवादी बनाकर भारत के ऊपर हमले कराने शुरू कर दिए, वो स्थिति में तो वो तो गलत हो गया ना। समझ रहे हैं ना, समझे समझे, कैसा है। तो नहीं अभी बराबर सब डाटा है आप, हाँ तो आप मतलब देश विरोधी हम नहीं है मेरे भाई, इतना इतना देश, ये देश सबका है और सभी देश के गलत निर्णयों के प्रति आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। मोदी जी भी, मोदी जी को भी सही बहुत सारी बातें जो हैं वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने की, जो पहले गलती की उन्होंने समझ रहे हैं ना, वो भी सुधारने की आवश्यकता है। तो हम बताएंगे नहीं तो फिर कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे नेता, बहुत सारे नेताओं से जिनसे कुछ परिचय है मेरा, उन्होंने यही कहा कि काम तो बहुत लोग करना चाहते हैं, कई नेता करना चाहते हैं, लेकिन लेकिन पब्लिक प्रेशर नहीं डालती, समझे। क्यों, क्या होता है कि पार्टी के अंदर यदि कोई नेता इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है कहीं भी, तो पार्टी के पार्टी का हेड बोलते हैं तुझे क्या पड़ी है ज्यादा इनिशिएटिव लेने की। तो फिर वो जब नेता जब जब जनता डंडा करती है तो वो उस जनता का नाम लेकर कहता है कि जनता मेरे पर प्रेशर डाल रही है, मैं दोबारा चुनाव जीतने के लिए ये तो करना पड़ेगा, जनता कह रही है मेरे। तो जब तक प्रेशर नहीं डालेगी तो वो भी अपनी पार्टी को नहीं बोलता है ना। हाँ, सही में। तो हम लोग जब तक बोलेंगे नहीं, ठीक है भाई हो सकता है हमारी कोई बात गलत निकल आए, लेकिन हम कम से कम गलत के प्रति आवाज तो उठाई। अब हो सकता हम गलत हो या वो गलत हो, वो तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन कम से कम आपने किसी विषय पर अपनी असहमति तो दर्शानी पड़ेगी ना। बाद में कहने के ठीक है मैं अपनी असहमति वापस लेता हूँ, लेकिन इसमें कोई ईगो ईगो वाला खेल थोड़े ना है। अपनी ईगो ईगो देश अपनी अपनी ईगो जो है वो देश से बड़ी थोड़े ना है। बस यही यही ये बड़ी बात है। तो हमें निरंतर चिंतन करते रहना है, देश विरोधी ताकतों को मजबूत भी नहीं करना है। तो आप अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए थोड़ा सा, मतलब आप अपने अपने सर्कल में बोलिएगा कि हमारे वीडियो जो है उसका औचित्य क्या है। हाँ हाँ, और आपसे बड़ी अच्छी बातचीत हुई, और तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं इसको लोगों को अपना ये विचार, मतलब आपने बोल दिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं इस विचार को लोगों तक आगे प्रेषित करने के लिए इसकी रिकॉर्डिंग जैसे मैं डाल देता हूँ कई साथियों से बात करने की, मैं डाल दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको? कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो डाउट था वो क्लियर भी हो गया है और आप ये वीडियो को रख भी सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। आप कभी भी ऐसा कोई भी आपके मन की बात हो, कि आप जैसे जो मेरे युवा साथी हैं सब, वो किसी प्रकार से अपनी असहमति अपनी नाराजगी मुझे कॉल करके बिल्कुल जताइए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन स्पष्टता के साथ, आपने बहुत स्पष्टता से बात कही तो मुझे भी आपको बताने में आनंद आया। अस्पष्टता से केवल कोई गाली, मतलब फोन करके आप मुझे ये भी कहते थे कि आप वीरेंद्र भाई क्या समझते हो अपने आप को, आपने ये क्यों करा, ऐसे कैसे कर दिया, वो तो इस तरह से बात करने वाले व्यक्ति के साथ तो बात की जाए। आपने स्पष्टता से पूछा कि भाई वीरेंद्र मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, तो मुझे मेरा भी मन किया कि मैं अपने मन की बात बताऊँ आपको। ठीक है ना भाई, बराबर चलिए। हाँ हाँ, वंदे मातरम। किसी का कॉल आ रहा है पीछे, काफी देर से मिस कॉल आ गई है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना, चलिए। आप मुझे अब क्या उम्र क्या है आपकी भाई, क्या क्या सॉरी एज क्या है आपकी? मेरी 32 साल की एज है। अच्छा 32 साल, चलिए ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, वंदे मातरम। वंदे मातरम।